नमस्कार, देश भर की धार्मिक खबरों के स्पेशल बुलेटिन श्रद्धा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांचवी बार गंगा आरती में शामिल हुए, दीपों से जगमग हुआ दशाश्वमेध घाट। 22 जून से शुरू होने वाला है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लगने वाला अंबुबाची मेला, तैयारियों की मची धूम। अयोध्या में ज्येष्ठ मंगल पर उमड़े श्रद्धालु, लगी 1 किलोमीटर लंबी लाइन, भीषण गर्मी पर भारी पड़ी भक्तों की आस्था। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट लगभग पूरा, 331 करोड़ की लागत से बना है भव्य कॉरिडोर। महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी, सावन में नहीं होगी ये परेशानी, मंदिर प्रबंधन ने की खास तैयारी। मॉनसून में करें पुरी के दर्शन, IRCTC लेकर आया है खास पैकेज। कैंची धाम मंदिर समिति ने जारी की वेबसाइट, अब श्रद्धालुओं को मिल सकेगी सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में पांचवी बार शामिल हुए। उन्होंने 15 मिनट तक गंगा पूजन किया और इसके बाद आरती देखी। इस दौरान दशाश्वमेध घाट का नजारा देखने लायक था। आपको बता दें कि प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्र मौली उपाध्याय और 9 अर्चकों ने पीएम मोदी से मां गंगा का पूजन करवाया। इस दौरान 18 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में पूजन में मौजूद रहीं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि घाट को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। वहीं दशाश्वमेध घाट दीपों से जगमग हो रहा था। वहीं इस दौरान घाट पर मौजूद लोगों के द्वारा पूरा माहौल गंगा और हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा था। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी पांचवी बार आरती में शामिल हुए। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया और उन्हें रुद्राक्ष की माला, साथ ही प्रसाद के रूप में लाल पेड़ा दिया गया। प्रतीक चिन्ह में मां गंगा आरती का प्रतीक फोटो और पीएम का चित्र भी शामिल था। आपको एक खास बात और बता दें कि दशाश्वमेध घाट के आरती स्थल को सूरजमुखी, रजनीगंधा, बेला और गेंदे के फूलों की माला से सजाया गया था और ये फूल उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से मंगाए गए थे। अंबुबाची मेला हर साल असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लगता है। कामाख्या मंदिर तांत्रिका पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर में हर साल मॉनसून के समय में मेला लगाया जाता है और ये मेला वार्षिक महावरी के समय में लगाया जाता है। इस मेले में हर साल लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। मेले के बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में गीला कपड़ा दिया जाता है। ये माता की महावारी का प्रसाद होता है। आइए जानते हैं इस साल कब से शुरू होगा अंबुबाची मेला। इस साल अंबुबाची मेले की शुरुआत 22 जून 2024 से होगी। इस तिथि का समापन 26 जून 2024 को बुधवार के दिन हो रहा है। इस समय में मंदिर में किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं होगी। कहा जाता है कि इस समय जब 3 दिन बाद मंदिर के पट खुलते हैं तो माता के आसपास का वस्त्र लाल रंग से भीगा होता है। अंबुबाची मेला हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। ये मेला उस समय लगता है जब माता कामाख्या रजस्वला होती है। इसमें माता के गर्भगृह के कपाट को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब 3 दिन बाद माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, चौथे दिन देवी को स्नान के बाद श्रृंगार करके भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। सनातन परंपरा में अंबुबाची मेले का खास महत्व है। ये मेला पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेला है। इस समय में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अपने आप ही लाल रंग का हो जाता है। उसके कुछ समय बाद पानी अपने आप ही साधारण रंग में आ जाता है। ये मेला स्त्री के शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। अयोध्या में ज्येष्ठ मंगल पर हनुमानगढ़ी के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। ज्येष्ठ मंगल के पर्व पर रामनगरी अयोध्या में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, साथ ही जगह जगह शरबत का वितरण भी किया गया। हनुमानगढ़ी में ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगल पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ भक्त सुबह 3 बजे से ही हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। इस समय मात्र प्रवेश द्वार से ही दर्शन चल रहा था, जिससे भीड़ को नियंत्रण करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे थे। भीषण गर्मी में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। आपको बता दें कि भक्तों की आस्था भीषण गर्मी पर भी भारी पड़ रही थी। लोग नंगे पांव जलती जमीन पर खड़े होकर हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुबह 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक भक्त दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खुले रहे। साथ ही बड़े मंगल पर चौराहों के कोने कोने पर हनुमान जी को श्रद्धा अर्पित करने के लिए भारी संख्या में भक्त भंडारा, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करके भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते दिख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर को काम लगभग पूरा हो गया है। लगभग 300 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। इसमें 50 फीट चौड़े परिक्रमा पथ, प्रवेश द्वार व गलियों का कायाकल्प किया गया। विंध्य पर्वत पर विराजमान मां विंध्य वासिनी धाम कॉरिडोर बनने के बाद भव्य नजर आने लगे हैं। संकरी गलियों के लिए मां विंध्यवासिनी धाम विश्व भर में प्रसिद्ध था, लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। विंध्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है।
मां विंध्यवासिनी धाम को दिव्य बनाने के लिए सरकार द्वारा 331 करोड़ की लागत से इसे तैयार कराया जा रहा है। कॉरिडोर का कार्य लगभग पूरा हो गया है, फेंसिंग का कार्य हो रहा है। आपको बता दें कि धाम के चारों तरफ 50 फीट चौड़ा परिक्रमा पथ बनाया गया है और 19 करोड़ की लागत से पथ को तैयार किया गया है। दो मंजिला परिक्रमा पथ बनाने में गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लिफ्ट व अत्याधुनिक लाइट का प्रयोग हुआ है। मंदिर को जोड़ने वाली चार प्रमुख गली, नई वीआईपी, पुरानी वीआईपी, पक्का घाट व थाना वाली गली पर गेट बनाए गए हैं। 25 करोड़ की लागत से मां के धाम को जोड़ने वाली प्रमुख गलियों का कायाकल्प भी किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए बलुआ पत्थर बिछाया गया है। आपको बता दें कि पहले दर्शन करने में घंटों का वक्त लगता था, कॉरिडोर बनने के बाद भीड़ होने के बाद भी 10 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, जिसके चलते सुविधाएं पहले से बेहतर हो गई हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन लगा रहता है। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने वाले लाखों श्रद्धालु अपने साथ महाकाल का लड्डू प्रसाद ले जाना नहीं भूलते। इस बार सावन में भक्तों को प्रसाद लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि सावन को ध्यान में रखते हुए 100 क्विंटल लड्डू प्रसाद रोजाना बनेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल का प्रसाद लड्डू विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना क्विंटलों से लड्डू प्रसाद की बिक्री हो जाती है। इसके लिए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने चिंतामन में लड्डू प्रसाद यूनिट लगाई है। इस यूनिट में भक्तों के लिए लड्डू प्रसाद का निर्माण किया जाता है, पर सावन को लेकर विशेष तैयारी की गई है। बाबा महाकाल का लड्डू प्रसाद बनाने में 90 लोगों की टीम लगती है। मंदिर समिति के मुताबिक महाकाल का लड्डू प्रसाद बनने में साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाता है। बाबा महाकाल के लड्डू प्रसाद की देश ही नहीं विदेशों से भी मांग है। भगवान के दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थी अपने साथ लड्डू का प्रसाद अवश्य लेकर आते हैं। आम दिनों में प्रतिदिन 20 से 25 क्विंटल लड्डू प्रसाद का विक्रय होता है, लेकिन महाकाल के लड्डू प्रसादी यूनिट को हाइजीन रेटिंग में FSSAI की ओर से 5-स्टार रेटिंग मिली है। मंदिर समिति के मुताबिक देश के चुनिंदा मंदिरों को ही ऐसी रेटिंग मिलती है। लड्डू यूनिट के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि यूनिट में प्रतिदिन 40 से 50 क्विंटल लड्डू बनाए जाते हैं। ऐसे में श्रावण मास के लिए 100 क्विंटल लड्डू का अतिरिक्त स्टॉक तैयार किया जाएगा। इस योजना से मांग के अनुसार पूर्ति की जा सकती है और लड्डू प्रसाद के काउंटर भी बढ़ाए जाएंगे। हम लोगों का यह उद्देश्य रहता है कि अधिक मात्रा में सभी को प्रसाद मिल पाए, ऐसा प्रयास करते हैं और इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटा करके महाकाल मंदिर का यह जो परिसर चिंतामण में स्थित है, यहाँ लड्डू यूनिट में प्रतिदिन लड्डू निर्माण सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो जाता है, शाम को 7 बजे तक चलता है। पहले की अपेक्षा में अभी हम लोगों ने इसमें अच्छी खासी वृद्धि की है। पहले लगभग हम 12-15 कुंटल के करीब लड्डू प्रसाद का निर्माण करके वितरण करते थे, अभी 40 से 42 कुंटल प्रतिदिन का लड्डू निर्माण हो रहा है और वितरण हो रहा है। वास्तव में इसका क्या है कि जो वर्ष भर हमको लगने वाली सामग्री होती है उसको हम लोग टेंडर करते हैं और उससे जो हमारे स्टैंडर्ड मानक हैं उस मानक के अनुसार जो हमारे ज़िले की खाद्य विभाग है वो और मंदिर प्रशासन की टीम मिल करके सब निर्धारित करती है। हम रॉ मटेरियल बाज़ार से ला करके चने की दाल लेते हैं और उसको स्वयं पीसते हैं और इसके बाद हम लोग फिर निर्माण की प्रक्रिया में जाते हैं और निर्माण में काजू है, किशमिश है, शक्करबूरा है, रवा है इत्यादि जो उसके मटेरियल्स हैं वो सब मिला करके बढ़िया यहाँ बना करके पैक करते हैं। इसके बाद हम मंदिर की सप्लाई शाखा है हमारी, वहाँ भेजते हैं पैकेट्स। वो सप्लाई शाखा फिर हमारे जो काउंटर्स रहते हैं उन काउंटर में पहुंचाते हैं, वहां से श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को प्रसाद मिल पाता है। पूरी भगवान जगन्नाथ की भूमि है। यहाँ अनेक मंदिर, मठ और दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। IRCTC हर बार अपने यात्रियों के लिए कोई ना कोई शानदार टूर पैकेज लेकर आता है। इस बार का टूर पैकेज भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी का है। अगर आप भी समुद्र प्रेमी हैं और प्राचीन मंदिरों को देखने की इच्छा रखते हैं तो ये पैकेज आपके लिए बहुत खास है। ट्रिप का पैकेज 2 दिन और 1 रात का है। IRCTC के इस पैकेज में आप कई मंदिरों, समुद्र और झील के साथ चिल्का झील, कोणार्क, जगन्नाथपुरी का भ्रमण कर पाएंगे। इस दौरान आपको प्राचीन वास्तुकला को करीब से देखने का अवसर भी मिलेगा। IRCTC के टूर के दौरान यात्रियों के खाने से लेकर आने जाने और होटल में रुकने तक की व्यवस्था IRCTC के द्वारा की जाती है। पूरी टूर के दौरान पर्यटक यहाँ के प्रसिद्ध मठों, मंदिरों और प्राचीन वास्तुकला के इतिहास से परिचित होंगे। इस प्रकार बहुत ही कम और सस्ते दाम में IRCTC पर्यटकों को पूरी भ्रमण करवा रहा है। इसके लिए एक व्यक्ति को 16,350 रुपये देने होंगे, जबकि दो लोगों के साथ जाने पर यह पैकेज की कीमत
8,860 प्रति व्यक्ति हो जाएगी। वहीं अगर 3 लोग साथ में जाएंगे तो इसका किराया घटकर 6,590 प्रति व्यक्ति हो जाएगा। कैंची धाम मंदिर के लिए हनुमान मंदिर और आश्रम ट्रस्ट द्वारा आधिकारिक वेबसाइट श्री कैंची मंदिर trust.org शुरू की गई है, जिसमें कैंची धाम मंदिर में संबंधित अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि मंदिर समिति और प्रशासन के संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें कुछ स्वार्थी तत्व सोशल मीडिया और संचार के विभिन्न चैनलों के माध्यम से झूठी सूचनाएं और अफवाहें फैलाते हुए पाए गए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को गुमराह करने के कई केस भी सामने आए हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए मंदिर समिति ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालुओं से सही और प्रमाणिक जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ ही ट्रस्ट की ओर से निर्णय लिया गया है कि मंदिर के स्थापना दिवस पर प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये थी आज की खास खबरें। देश विदेश से जुड़ी धार्मिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए श्रद्धा समाचार। नमस्कार।